दुरूद शरीफ पढ़ना। कल एक सवाल बोर्ड पे कर रहा था मैं, एंट्रीज करनी थी मैंने, एंट्रीज पूरी कर दी थी और एसओएफपी के शर्ट बता रहा हूं। अगर सवाल में एंट्रीज भी हो, वैसे इतना बड़ा सवाल तो करना ही होगा, ये लेवल वन टेस्टिंग वाला टॉपिक है, लेकिन अगर एंट्रीज भी हो हाँ जी, वो मिक्स तो होते ही हैं, मिक्स होते हैं सवाल। अगर इन पे सेपरेट सवाल हो तो वो इतना लंबा सवाल नहीं होगा, आई 16 पे होगा, बाकी पे नहीं। अगर एंट्रीज भी रिक्वायर्ड थी और जो जैसे मैंने कल कर ली, तो उससे भी ये फिगर्स निकालना, बोलना शुरू कर दी मैंने, जो एंट्रीज की हैं उनसे भी बैलेंस शीट की फिगर्स बनाना, ये भी सिखा रहा हूं। और अगर एंट्रीज ना होती तो डायरेक्टली डेटा से कैसे बनाते, ये भी सिखा रहा हूं। बैलेंस शीट में इस सवाल में से क्या क्या चीजें जाएंगी, इस सवाल में ऐसा क्या क्या है जो एसएफपी में जाना बनता है, एसओएफपी में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, और रिटेंशन मनी पेएबल। और अच्छा, मैंने कहा था कि जो बैंक है और क्या बोला था, कैश बैंक और रिटेन अर्निंग भी शायद एक चीज बोली थी, ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स के सालों में नहीं आ रहे होते, क्योंकि हमें नहीं पता कि कैश बैंक में और क्या क्या हो रहा है, तो इसलिए एक्सट्रैक्ट्स के सवालों में कैश बैंक और रिटेन अर्निंग्स, इसके बैलेंस हम नहीं दिखा रहे होते। ये मैंने गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ाते हुए बताया था या आई 40 पढ़ाते हुए बताया होगा, इसके एक बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स में हम कैश का बैलेंस, रिटेन अर्निंग का बैलेंस नहीं दिखा रहे होते। तो कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस हो गया, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, रिटेंशन मनी पेएबल, और लोन नहीं दिया हुआ, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉन करंट एसेट्स में, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो आप नॉन करंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको करंट में लिखना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये हर साल एडजस्ट हो रहा है, पता नहीं कितना कितना एडजस्ट होगा, इसलिए इसको करंट में रखना बेहतर होता है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज,
और करंट लायबिलिटीज। तो एक तो आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, बैंक लोन, रिटेंशन मनी पेएबल। ये नॉन करंट में क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि तो 2024 में 23 में जाके देने हैं कहीं। और करंट लायबिलिटीज में पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, वो जो आखिरी आखिरी बिल आया होता था, ये चीजें आनी हैं एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स में। चलिए आसान काम कर ले करते हैं। बैंक लोन कितना है? 300। और ये 2020 में भी 300 था, 2021 में भी 300 ही है, हैं? क्या क्या 21-20 दोनों बताए ना, 21 और 20 दोनों की बैलेंस शीट कही है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वैसे तो आप ये भी कर सकते हैं के जो एंट्रीज की हुई हैं, जहां जहां कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट क्रेडिट हुआ हुआ है, कैलकुलेटर पकड़े उनको प्लस माइनस करते जाएं तो फिगर बन जाएगी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हुए ना एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट, बस जहां जहां जितना 30 जून 20 तक डेबिट क्रेडिट हो गया हुआ है उन सबको ऐड कर लें, ये आ जाएगा। फिर उसमें 21 वाला भी ऐड करना शुरू कर देंगे, ये आ जाएगा। तो अगर एंट्रीज का सवाल हो और एंट्रीज भी कर चुके हैं और बैलेंस शीट भी है, तो बड़ा आसान है कि आप एंट्रीज ही की फिगर्स लें और उनको करते जाएं प्लस। तो देखिए 2020 30 जून तक कहां कहां कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट क्रेडिट हो रहा है। 30 जून 20 है ना ये, तो 30 जून 20 तक एंट्रीज में देखें कहां कहां कितना डेबिट क्रेडिट हो रहा है, उसको ऐड करते जाएं। पहली एंट्री से शुरू करते हैं, जहां जहां कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट क्रेडिट हो रहा है, आखिर में क्रेडिट भी हो रहा है कितना? 1158। और 21 को अलग से ऐड करें कि इसी में ऐड करें? इसी में करेंगे ना भाई, बिल्डिंग बनती जा रही है तो बिल्डिंग ही का खर्चा बनता जा रहा है, तो इसी में ऐड करें। 21 में भी जो डेबिट क्रेडिट हुआ है वो इसी में ही ऐड करेंगे ना, बिल्डिंग ही की कॉस्ट बन रही है वो, तो 21 वाली भी सारी एंट्रीज डेबिट क्रेडिट वाली एडलेस कर दें। 230.21 फिगर्स समझ आई? हमने एंट्री में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किया हुआ है ना डेबिट क्रेडिट, तो बस उनकी अमाउंट जहां जहां डेबिट और ऐड करते जाएं, जहां क्रेडिट हुआ वो लेस हो जाएगा, ये 20 की फिगर आ जाएगी, और इसमें मजीद ऐड कर देंगे 21 वाली तो ये 21 की फिगर आ जाएगी। ये तो हो गया अगर एंट्रीज भी थी तो। अब बता दो एंट्रीज नहीं है तो फिर क्या करें? इसके कर लेते हैं हम वर्किंग। एंट्रीज नहीं है तो फिर वर्किंग करनी पड़ेगी, वो वर्किंग सिखाता हूं।
30 जून 20 तक इस बिल्डिंग पे कितना काम हो चुका था, कितने रुपए का काम हो चुका था, कितने पैसे दे दिए नहीं पूछ रहा, 30 जून 20 तक कितने रुपए का काम हो चुका था, कैसे फाइंड करें? माइनस करते भाई, जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है कितने रुपए का 30 जून 20 तक काम कर चुका है, कितना कितना था? 40 और 50, 90 मिलियन का वो काम कर चुका है। फिर इसके अलावा हमने बोरिंग कॉस्ट क्या प्राइस करनी है। मैं अब ये बता रहा हूं कि अगर एंट्रीज ना होती, अभी तो देखा ना हमने एंट्रीज में मेहनत कर ली हुई थी तो उन्हीं को प्लस माइनस करके ये बना लिया। अगर एंट्रीज ना होती तो फिर हमें उस डेटा से डायरेक्टली ये फिगर्स कैसे बनानी है वो सिखाने लगा। अब इसको ऐसे देखें कि अगर सवाल ये पूछा होता कि 30 जून 20 तक बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है, तो वही निकाल रहे हैं ना हम, तो क्या क्या होगा उसमें? जितना आई 16 के मुताबिक खर्चा आया वो, और आई 23 के मुताबिक एक इसमें ड्रेस कॉस्ट, कितनी लिखूं क्या करूं, 300 इंटू 15% इंटू 11/12, 30 जून 20 को कर रहा हूं सॉल्व करके, कितना 41.25, और इन्वेस्टमेंट इनकम लेस जो के वर्किंग वन में करते कर भी ली हुई है, कितनी 2020 वाली 0.67। अभी मैंने आपको दोनों तरीकों से कह दिया, अगर एंट्रीज भी रिक्वायर्ड है तो वो हमने मेहनत कर ली हुई है, उसी को ही प्लस माइनस करके ये फिगर बना लें। लेकिन अगर एंट्रीज ना होती, डायरेक्टली सवाल में बैलेंस शीट ही बनानी होती, तो फिर ऐसे वर्किंग करनी पड़ती। ये हमने 2020 को किया है सॉल्व। ये शक्लों पे कुछ वाले निशान मुझे नजर आ रहे हैं, इक्कीस में इस बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी बन चुकी थी, ये भी ऐड होगा या नहीं? तो वो जो पहले हम सवाल कर रहे थे जिसमें दो इयर्स की अलग अलग फिगर, वो क्या था फिर? वो मैंने पूछा होता था कि 20 में 21 में बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी। अब मैं बिल्डिंग की कॉस्ट का बैलेंस लिख रहा हूं यहां पर, 20 में इतनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है, 21 में इतनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। लेकिन यह तो है फॉर द ईयर जो कैपिटलाइज हो रहा है, इसके कैपिटलाइज होने के बाद, मरीज खर्चा होने के बाद
बैलेंस कितना बच जाता है बिल्डिंग का, बैलेंस शीट में ये लिखना है हमने। 21 के लिए यहीं से आगे चल लेते हैं, अब यहीं से आगे चल रहा हूं मैं। 21 में मजीद कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एक बिल आया 30 का और एक 60 का, अरे फिर 90, ये और 90 है, ये और है। फिर 21 में मजीद बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई, इसी से आगे जहां लिख रहा हूं वो नजर ना शायद आए, इसी से आगे लिख रहा हूं। एक इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट आई, अगेन वही 11 महीने 41.25, और एक इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम आई जो कि वर्किंग वन से निकली 0.62। तो 2021 एंड होते होते 0.21। बैलेंस शीट फॉर द ईयर होती है, एसेट्स के बैलेंसेस फॉर द ईयर चीज है, वो पहले 10-12 लेक्चर 11 या 10 में देखना। बैलेंस शीट में आते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी। एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस फॉर द ईयर फिगर बता रहे होते हैं, फॉर द ईयर परफॉर्मेंस बता रहे होते हैं, फिर ईयर एंड की पोजिशन बता रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास हर साल नई से नई बिल्डिंग बनती जा रही है, तो अब 15 साल गुजरने के बाद सिर्फ वो बिल्डिंग बैलेंस शीट में आएगी जो 15वें साल में खरीदी है, नहीं एज एट ना सारी। तो ये 21 जब एंड हुआ उस वक्त तक ये बिल्डिंग इतने की बन चुकी हुई है, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि हर अगली एसओएफपी में पिछली एसओएफपी भी हर साल एड करते जा रहे हैं। जो उस ईयर एंड पे एसेट्स मौजूद हैं उनकी वैल्यू बैलेंस शीट में होती है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की फिगर और बैंक लोन की फिगर में एतराज मजीद, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर की फिगर डायरेक्टली कैसे बनाएं? एक तो यह कि एंट्रीज में से वो जो 30 जून की एंट्री है, देखें 30 जून 20, देखें जरा 30 जून 20 में पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर कितना क्रेडिट किया हुआ है और इसको पैसे कब दिए, जुलाई में जाके। तो 30 जून पे इसका बैलेंस पेबल बैलेंस शीट में आएगा पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर के, नहीं आएगा कितना, जितना उस एंट्री में लिखा है। तो एंट्री से देख के तो अमाउंट यहां लिख सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली एंट्रीज नहीं है बस सवाल के डाटा से फिगर निकालनी है तो कैसे बनाऊ ये फिगर? कौन सा वो बिल है जो ईयर एंड पे स्टिल पेबल होता होगा, जो हर साल के 30 जून को आ रहा होता होगा? इस सवाल में 2 साल है ना, तो जो 30 जून 20 को बिल आया होगा वो 30 जून पे स्टिल पेबल है, फिर जो 30 जून 21 को बिल आएगा वो 30 जून 21 का पेबल है। तो डायरेक्टली सवाल सॉल्व करने का तरीका कि जो बिल्स आए हुए हैं, जैसे 30 जून 20 में कौन सा बिल आया हुआ है 50, तो यहां 50 लिख लो, नहीं इन टू 85%। क्यों 85%? क्योंकि 15 तो काट देना है इसमें से, और 21 में कितना दूसरा वाला बिल आया हुआ है 60 × 85% 50। तो डायरेक्टली एसओएफपी में लिखने का तरीका कि जो आखिर आखिर का बिल है जो अभी तक पे नहीं हुआ हुआ उसकी अमाउंट लिख दी।
ये दोनों फिगर्स एंट्रीज नहीं, डायरेक्टली आप लोग ट्राई करें कि बीच में कितना आएगा, ये कितना आएगा, रिटेंशन मनी यहाँ कितनी, यहाँ कितनी, आप सब ट्राई करें। एंट्रीज नहीं देखनी, डेटा से सोचें अगर डायरेक्टली बैलेंस शीट तक लाते तो कैसे लाते। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर और रिटेंशन मनी पेबल की फिगर्स कोशिश करिए। आपको मैंने आइडिया दे दिया इससे भी और इससे भी, अब आप कोशिश करिए बेटा ये और ये। एंट्रीज नहीं देखनी, सिर्फ सवाल के डेटा से देखें यहाँ डायरेक्टली कैसे पहुंचे। क्या करूं, हाँ जी एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर नहीं होना, चले एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर बताता हूं। एडवांस दिया कितना था, 30, 20 में कितना एडजस्ट हो गया, एडवांस कब एडजस्ट किया हमने एंट्रीज करते हुए, जब बिल की एंट्री की, तो 20 में उतना एडजस्ट हुआ जितने बिल आए उसका 10%। 20 में 90 मिलियन के बिल आए तो इसका मतलब है हमने 90 मिलियन में से 10% एडजस्ट कर लिया। फिर 21 में मजीद कितना एडजस्ट हुआ, देखें बिल जब रिकॉर्ड हो रहा है तभी एडजस्ट कर रहे थे ना, तो जितना 2020 में बिल रिकॉर्ड हुए हैं उन्हीं का 10% एडवांस एडजस्ट हुआ है। तो दिया इतना था लेकिन इतना एडजस्ट हो गया 20 में और इतना एडजस्ट हो गया दोबारा 21 में। ये एडवांस एंट्री, हाँ अब 2020 में एडवांस का बैलेंस कितना रह गया और 2021 में भी एडवांस बताए, रिटेंशन पे आता हूं। एडवांस की फिगर सही भी थी किसी की भी?
रिटेंशन पे आते हैं। अच्छा ये मैंने किया है वर्किंग रिटेंशन, रिटेंशन मनी कब क्रिएट हो रही है? जब बिल आ रहा है तो उसका 5% रिटेंशन मनी में जा रहा है। तो जिस तरह मैंने यहां एडवांस को बिल्स के साथ लिंक किया, ऐसे ही रिटेंशन कितना रिटेन हुआ 2020 में? 90 मिलियन का 5% 4.5। कितना रिटेन हुआ 2021 में? फिर यही 4.5। दो हजार बीस तक रिटेंशन मनी कितनी? 2020 तक 4.5 और 2021 तक 9। 2021 में और रिटेन हो गया ना, तो इसलिए 20 तक रिटेंशन मनी पेएबल 4.5 है और फिर वो 9 बन गई। ये एसओएफपी की फिगर्स बगैर एंट्रीज देखे, यार बोर्ड की बड़ी स्लो स्लो स्पीड में ना सैर करा दे रोक रोक के जी। नहीं आप कह रहे सारी की सारी अमाउंट, देखो बैलेंस शीट में फिगर्स ये तो हम सवाल में डायरेक्टली एसएफपी बना रहे हैं, वरना असल में फिगर्स रिकॉर्ड होती हैं तो आती है ना, बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी, वहां से वो ट्रायल में जाएगा, ट्रायल से बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में आएगा, बुक से लेजर में जाएगा, लेजर से ट्रायल में, ट्रायल से जहां, तो रिटेंशन मनी की एंट्री होगी तो एसएफपी में आएगी ना। तो अभी तक एंट्री ही सिर्फ इनकी हुई है, तो सारे का सारा कितना 315 कितना कितनी टेंशन होगी 15 मिलियन, तो सारा का सारा 15 मिलियन थोड़ी पहले ही लिख देंगे कि हमने इतना कल को वापस करना होगा, तो बिल्डिंग भी पूरी 300 की लिख देते। तो इसलिए बुक्स में जो रिकॉर्डिंग होती है वो टाइल से होता हुआ यहां पहुंचता है। जी करंट में तो तब चीज अलग होती है अगर उसका कुछ हिस्सा अगले 12 महीने में खत्म हो जाना हो। अगले 12 तो क्या ये हमने अगले 12 महीने में पे कर देना है? ये तो हमने 2023 में जाके पे करना है। हाँ तो एक साल बाद हम कुछ पे नहीं कर रहे, रिटेंशन मनी में से कुछ पे नहीं हो रहा। हाँ रिटेंशन मनी हम रिटेन करते जा रहे हैं, करते करते जितने पैसे हमारे पास कल को जमा हो जाएंगे वो सारे के सारे हम 2023 में देंगे उसको, तो इसलिए जितने हम काट के रखते जा रहे हैं वो सारा नॉन करंट में आएगा। हाँ जी पूछे भाई इस कैलकुलेशन से रिलेटेड, ये इतने ये जो भी 4-5 सवाल हो गए मैं आपको एग्जाम लेवल की एग्जाम के लिए ही सारी प्रैक्टिस सारी वैरायटीयां करा रहा हूं एक एक करके। सर ये 2023 में देखिए, अगर आप 2022 में देते तो ये 22 की किस डेट को? एक साल के अंदर, यानी अगर मैंने 30 जून 22 को दे देना होता तो फिर ये 21 की बैलेंस शीट में वो सारी करंट में आ जाती, 20 की बैलेंस शीट में तो नॉन करंट में आती क्योंकि 22 में देना है, 21 की बैलेंस शीट में वो करंट में आ जाती। और पूछें इससे रिलेटेड सवाल, चल ठीक है जी जबरदस्त अगली वैरायटी पे चलते हैं, नोट कर लें इसको पूरा तो अगला सवाल लिखें। अच्छा अब ना मैं आपको अपनी वैरायटी से पहले कुछ चीजें पढ़ा दूं, आप ये जो नोट्स लिए हैं IS-23 के इनमें बिल्कुल पहले पेज पे आ जाएं।
हाँ जी पहुंचे। ये मैंने ना आपको क्वेश्चन में काम आने के लिए कुछ टिप्स लिखी हुई है, क्योंकि आईएस 23 तो बस सिंपल सा है, इनफैक्ट आईएस 23 तो खत्म हो गया भाई। आईएएस 23 की जो भी अंग्रेजी है वो खत्म है, ये तो मैं प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ। नहीं खैर सॉरी, खत्म नहीं है, केस टू रहता है, लेकिन मेनली इसमें सवालों ही की वैरायटी है। छोटा सा आईएएस है, यानी सवाल आईएएस सिर्फ इतना कहा है कि बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होनी है, क्या क्या मुश्किलें हो सकती है, सारी सवालों की वैरायटियां हैं। इसी तरह से केस टू एक बस दो लाइनें रहती हैं, फिर उसकी भी प्रैक्टिस ही होगी सिर्फ सवालों की। तो कुछ चीजें आपके सवालों में काम आए उसके हिसाब से मैंने टिप्स लिखी हुई है। तो ये जो क्वेश्चंस के नोट्स का पहला ही पेज है, ये मैंने आप लोगों के लिए टिप्स लिखी हैं। इनमें से मैं जो जो बता चुका हूं आपको बताता हूं, वो आप पढ़ लें। मैं आपको पॉइंट नंबर 2 बता चुका हूं, इन नोट्स में नंबर 2 बता चुका हूं, पढ़ लें। पॉइंट नंबर 6 इस सवाल में हो गया, आदो कि उसमें जनरल बोरिंग का वर्ड अभी आपको नहीं समझ आएगा, हमने पढ़ना है, उसके अलावा बाकी हो गया। पॉइंट नंबर 6 इस सवाल में हो गया है। कहा मैंने इसमें यह है कि जब हम लोग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट निकाल रहे हैं तो वो अमाउंट ले रहे हैं जो पे की है, या बिल की अमाउंट ले रहे हैं? बिल की अमाउंट ले रहे हैं, जितने वो काम कर चुका और बिल दे चुका, ये बिल की अमाउंट है जो एसेट की कॉस्ट में आनी है। जबकि वर्किंग वन देखें जो की थी कल, इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग वन जो कल की थी मैंने, उसमें बिल्स की अमाउंट लिखी थी, जो पे की थी वो लिखी थी, बिल की डेट लिखी थी, जब पे किया था वो लिखा था। ये मैंने पॉइंट नंबर 6 में आपको कहा है, जो मैं एक्चुअली कल सवाल में समझा चुका हूं, वैसी बस मैंने उसकी अंग्रेजी लिख दी कि जब हम लोग एसेट की कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो उसमें बिल्स की अमाउंट आनी है, जबकि जब इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग कर रहे होंगे उसमें वो अमाउंट लिखनी है जो कैश पे हो रहा है। ठीक है, दोबारा, जो बिल कस्टमर नहीं कॉन्ट्रैक्टर ने हमें भेजे हैं वो 40 मिलियन, 50 मिलियन, 30 मिलियन, 60 मिलियन के बिल हैं। बिल्डिंग की कॉस्ट में हमने ये बिल अमाउंट ऐड किया है कि इतने रुपए का हो गया काम, जबकि इन्वेस्टमेंट वाली वर्किंग हम क्यों कर रहे थे कि कितना पैसा आया, कितना पैसा दिया, तो उस वर्किंग में बिल की अमाउंट नहीं लिखी थी, इसमें से जितना काट के नेट पे किया था वो लिखा था। इसको मैंने लिखा है पॉइंट 6 की जगह में। पॉइंट नंबर 9 भी बता चुका हूं। पॉइंट नंबर 9, हाँ जी पॉइंट 9 पढ़ लिया। अच्छा, अब आपको एक इसमें मैं और पढ़ाता हूं। पॉइंट नंबर वन समझाता हूं। हमने ना ये पढ़ना है अभी आगे चल के कि राइट शेयर्स क्या होते हैं, ये पढ़ना है। वैसे बता रहा हूं कि बिजनेस अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उस बिजनेस के पास इतने पैसे नहीं है तो वो बोरो कर सकता है। उसके अलावा हो सकता है कि बिजनेस के ओनर्स बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ओनर्स जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो अगर इस बिल्डिंग को बनाने के लिए ओनर्स ने भी पैसा इन्वेस्ट किया हो तो वो बोरिंग्स हैं नहीं। तो ऐसा सवाल में हो सकता है कि इस 300 मिलियन की बिल्डिंग बनाने के लिए 200 मिलियन का लोन लिया होता और आपको बताया होता कि ओनर्स ने मजीद 100 मिलियन इन्वेस्ट किया है
और उस 100 मिलियन का जो इन्वेस्ट किया है इस पे हम ओनर्स को डिविडेंड एक चीज पढ़ानी है, ओनर्स को 15% डिविडेंड भी देंगे, तो ये 15% बोरिंग कॉस्ट होगी। क्यों? ओनर्स का पैसा जब बोरोइंग ही नहीं है तो उस पे दिया जाने वाला डिविडेंड बोरोइंग कॉस्ट भी नहीं है। तो सवालों में ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने ओनर से भी पैसा लिया हो, लेकिन यहां पर हम सब लोग क्या चीजें पढ़ रहे हैं? बोरोइंग्स। तो इसलिए ओनर से लिया जाने वाला पैसा बोरोइंग नहीं है, इसीलिए ओनर को दिया जाने वाला डिविडेंड बोरोइंग कॉस्ट भी नहीं है। ये पॉइंट नंबर वन है जी। हाँ वो मैं आपको ना जनरल बोरिंग भी पढ़ा लू ना, फिर मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो उसको हम लोग इग्नोर तो नहीं करेंगे लेकिन उसकी बोरिंग कॉस्ट नहीं हुआ करेगी जी। अच्छा ये अच्छा हुआ है सवाल पूछिएगा। बैंक लोन ये एक मिसाल है, मैंने बोरोइंग की और बहुत सारी मिसालें दी थी। इस सवाल में हमने 300 मिलियन की बोरोइंग की है, वो लोन लेके भी हो सकती है, वो 300 मिलियन के डिवेंचर इशू करके भी हो सकती है, वो 300 मिलियन के लोन नोट इशू करके भी हो सकती है, वो 300 मिलियन के टीएफसी इशू करके भी हो सकती है, वो सब बोरोइंग की शक्लें हैं। मैंने पहले दिन बताई थी भाई ये बोरिंग की जो मुख्तलिफ मिसालें थी वो लोन के अलावा वो नाम भी हो सकते हैं, तो हाँ वो बोरिंग ही हैं। अच्छा जी वन हो गया, टू हो गया, और चलें एक और समझाता हूं, और वो पहले मैं आपको समझाता हूं फिर यहां से पढ़ने को कहूंगा, और वो जो समझा रहा हूं ना उसका एक सवाल भी बना के करा देता हूं, खुद ही कराता हूं बोर्ड पे। क्वालिफाइंग एसेट्स की एग्जांपल्स क्या थी? हम खुद बिल्डिंग बना रहे हैं अपनी, प्लांट बना रहे हैं, इनटेंजिबल एसेट्स बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना रहे हैं, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री की करता हूं बात। अगर हमारा बिजनेस है कि हम कस्टमर्स को घर बना के बेचते हैं तो वो घर हमारे लिए क्या हो गए? इन्वेंट्री। इसका सवाल कराता हूं, लिखे सवाल। कंपनी ए, कंपनी ए इज एंगेज्ड इन, कंपनी ए इज एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ हाउसेस, घर बनाते हैं और बेचते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ हाउसेस। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to process 1.1 of me. Following information relates to a particular building. Following information relates to a particular building constructed for a customer. तो अब इस वक्त एक खास बिल्डिंग का डाटा बताया जा रहा है जो एक कस्टमर के लिए हमने बनाई। अब ऑनवर्ड जो डाटा बता रहे हो ना वो एक बिल्डिंग के लिए है, बस ये पुरानी ये पहले वाली चार लाइनें भी तंगीद इसलिए बांधी है कि डाटा वैसे ही होने लगा है, लेकिन अब ये बिल्डिंग किसके लिए बन रही है? अब ये कस्टमर के लिए बन रही है, और ये बिल्डिंग हमारे लिए एक इन्वेंट्री है क्योंकि बना के कस्टमर को बेचनी है। बाकी चीजें अब नॉर्मल चलाता हूं आगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। अब ये सारी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन चल रही है जो उस बिल्डिंग की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1st January 2021 और कंस्ट्रक्शन एंड 31st October 2021। बस ये स्पेसिफिक बोरिंग जो केस वन था ना ये बहुत ही प्रैक्टिस, कल मैं इंशाल्लाह जनरल बोरिंग कहूंगा। अच्छा क्या क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई 1st January 2021, कंस्ट्रक्शन एंड हो गया 31 अक्टूबर 2021। सस्पेंशन कर लें अगस्त के महीने की, अगस्त की सस्पेंशन है जी 2021। कंस्ट्रक्शन वॉज फाइनेंस्ड बाय अ स्पेसिफिक लोन ऑफ
कंस्ट्रक्शन वॉज फाइनेंस बाय अ स्पेसिफिक लोन ऑफ $80 million, $80 million एट 18% obtained on 1st January 21. Expenditure on asset were incurred as follows. Date or amount. First February 21. $16 million. 30th April 21. $40 million. 31st July 21. ये कर लें 25, ज्यादा तो नहीं हो गया, ज्यादा हो गया, 81 हो गया, चले 20 कर लें इसको, 25 को 20 कर लें, और 30th September 21 कितना रह गया, 4 मिलियन 30th September 21, 4 मिलियन चले ये हो गए करके। बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड एंड पोजेशन वॉज ट्रांसफर्ड, पोजेशन वॉज ट्रांसफर्ड यानी घर उसके हवाले कर दिया, पोजेशन वॉज ट्रांसफर्ड ऑन वही जो ऊपर बताया 31 अक्टूबर 21, यानी पोजेशन भी साथ ही कर दिया ट्रांसफर, बिल्डिंग कंप्लीट हुई और फौरन चाबी कस्टमर को देके तो बिल्डिंग उसके हवाले कर दी। फॉलोइंग पेमेंट टर्म्स वर एग्रीड विद कस्टमर, फॉलोइंग पेमेंट टर्म्स वर एग्रीड विद कस्टमर, यानी हम जिस कस्टमर को बिल्डिंग बेच रहे हैं उससे हमने पैसे भी तो लेने हैं ना, तो उसके लिए ये पेमेंट टर्म्स हैं। डेट बताऊंगा और अमाउंट बताऊंगा। फर्स्ट जून 21 को 10 मिलियन, 1st सितंबर 21 को 12 मिलियन और 31st अक्टूबर 21 को, यानी जब घर की पोजेशन दे दी उसको तो 10, 12, 22 और 98 मिलियन मतलब 80 की बनाए और कस्टमर को 80 की दे दें बिल्डिंग, बिजनेस करने बैठे हैं तो कस्टमर को हमने बिल्डिंग कितने की बेची, 120 की, और सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट 6%। मुझसे रिक्वायर्ड है बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ये जो हमें बिल्डिंग कॉस्ट करेगी, इन्वेंट्री है ये हमारी, तो हमें ये कितनी कॉस्ट टोटल करेगी, उसमें बोरिंग कॉस्ट कितनी शामिल करनी है।
ये मुझसे रिक्वायर्ड है। इंटरेस्ट कॉस्ट 18 इंटू 18% इंटू 8/12 लोन लिया जा चुका 1 जनवरी ठीक है, काम शुरू हो चुका 1 जनवरी ठीक है, लेकिन बिल्डिंग पे खर्चा पहला कब हुआ है? 1 फरवरी से। तो कमेंसमेंट होगी 1 फेब से, कमेंसमेंट 1 फेब एंड 31 अक्टूबर कितने हो गए? 9 महीने, अगस्त सस्पेंशन तो 8 महीने, 9.68 months, ओके डन। 8 महीने में कोई इतराज इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग करता हूं। आकिब कहना है कुछ है? अच्छा नाराज फर्स्ट जनवरी 21 कितना लोन लिया? 80। फिर उसके बाद फर्स्ट फेब 21 को 16 खर्च कर दिया तो बाकी रह गया 64। फिर 30 अप्रैल को 40 गया, बाकी रह गया 24। हाँ जी, ये जो हम लोग इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग कर रहे हैं तो हो सकता है इस बिजनेस के पास, अच्छा ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग हो रही है ये हम यहां से आंसर निकाल के इधर लेस करेंगे ना, हो सकता है बिजनेस के पास और भी पैसे हो, ये जरूरी तो नहीं कि गरीब बिजनेस है और पैसे ही नहीं है, और भी पैसे हो सकते हैं, हो सकता है वो भी कहीं इन्वेस्ट किए हुए हो, सरप्लस पैसे पड़े हो सकते हैं, वहां से भी कुछ कमा सकते हैं, वो भी यहां से लेस कर देंगे। देखें बिजनेस के पास वाहिद बस यही पैसे हैं, बिजनेस के और बहुत सारे काम हैं, बिजनेस के पास कहीं ना कहीं पैसे होते होंगे, वो उनको इन्वेस्ट करके कुछ कमा लेते होंगे, तो वो भी यहां से लेस कर दें। फिर यहां से क्या लेस करना है? जो उस स्पेसिफिक बोरिंग के पैसों में से बचे हुए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मैंने पूरी अंग्रेजी भी वैसे इन्वेस्टमेंट इनकम की लिखी थी, और यही बात मैंने मजीद इसको पक्का करने के लिए ये जो भी आपको नोट्स पढ़ा रहा था ना उसमें पॉइंट नंबर 8 पढ़ के देखें, पॉइंट नंबर 8 ये बात मैंने वहां दोबारा लिख दी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट इनकम यहां से लेस करनी है वो सिर्फ और सिर्फ उन पे कमाई गई है जो स्पेसिफिक बोरिंग के बचे हुए पैसे यहां रखे हैं। यहां तक कोई इख्तलाफ परेशानी है? चले आप नई बात सुने, दो नाम ले रहा हूं मैं, ये आईएएस ने इन दो नामों की इजाजत दी है, एक है गवर्नमेंट ग्रांट, एक है कस्टमर को जो चीज बना के दे रहे हैं। देखें जैसे सवाल के अंदर हम बिल्डिंग अपने लिए बना रहे हैं, कस्टमर के लिए, अच्छा कल वाले सवाल में वो कॉन्ट्रैक्टर हमारे लिए बिल्डिंग बना रहा था और वो उसके लिए प्रोग्रेस बिल्स दे रहा था कि जैसे जैसे काम करता जा रहा है उसके पैसे लेता जाएगा, तो अब हम कस्टमर को बिल्डिंग बना के दे रहे हैं तो हम भी तो प्रोग्रेस बिल्स दे रहे होंगे ना, और उसके पैसे कस्टमर से ले रहे होंगे। ये वो है जो मैंने 3 दिए थे, दोबारा सुने, कल जो सवाल किया था उसमें हम बिल्डिंग बनवा रहे थे वो हमारी बिल्डिंग की, जो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बना के दे रहा था वो हमसे अपने काम के पैसे ले रहा था और वो अपना काम बता रहा था प्रोग्रेस बिल्स की शक्ल में,
उन प्रोग्रेस बिल्स के अगेंस्ट हम उसको पैसे देते जा रहे थे, पहला बिल जून में, फिर दिसंबर में। अब ये सवाल उस कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे बन गया। अब हम किसी कस्टमर को बिल्डिंग बना के दे रहे हैं तो हमें इस बिल्डिंग बनाने की जो अपनी कॉस्ट पड़ेगी वो है जो पहली लिस्ट लिखवाई एक्सपेंडिचर ऑन एसेट, और दूसरी लिस्ट वो है जो अब उस कस्टमर को कॉस्ट पड़ी होगी, जो हम उसको प्रोग्रेस बिल दे रहे होंगे। ये वो बताया, ये दोनों लिस्ट में फर्क है, दोनों लिस्ट में फर्क ना समझ आया हो किसी को। तो ये जो हम कस्टमर से पैसे ले रहे हैं ना प्रोग्रेस बिल्स के, आईएस की तरफ से दो नाम इजाजत है, एक गवर्नमेंट से मिल जाते हमें पैसे, दूसरा हम जो कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं और उससे हमें प्रोग्रेस बिल्स मिल रहे हैं, इनको या तो मिल रहे हैं, ये गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहे हैं, पैसे कस्टमर से प्रोग्रेस पेमेंट्स मिल रही हैं। इस वर्किंग में पैसे का जाना हम लिख रहे हैं। अगर वो पैसे हमें मिल जाएं, दो हैं पैसे, गवर्नमेंट ग्रांट और जो प्रोग्रेस पेमेंट्स मिल रही हैं, तो उनको हम यहां पर वेलकम करना शुरू कर देंगे 1 जून 21। फिर आगे 31 जुलाई, फिर 1 सितंबर, 12 महीने, 36, और फिर 30 सितंबर, 4, 22 रह गया, और फिर 31 अक्टूबर को हमारी इस वर्किंग का फुल स्टॉप लग गया। क्योंकि कंस्ट्रक्शन एंड हो गई, बस 98 चलो लिख भी दूं, उससे आगे कहां तक जाना है, बस वहीं रुक जाना है। देखिए मैं जो भी लाइन लिखता हूं महीने उससे आगे गिरने होते हैं ना, तो 98 कब मिल रहा है, 31 अक्टूबर को, और बस वहीं फुल स्टॉप आ गया, कंस्ट्रक्शन कब पूरी हो गई, तो बस उससे आगे तो जाना ही नहीं था हमने, इसलिए 98 लिखे ना लिखे फर्क ही नहीं पड़ा। अगर 98 लिखना है लिख दें, उससे आगे तो गिनना ही नहीं है, इसलिए नहीं लिखा 98 मैंने। उन नोट्स में, उन टिप्स में पॉइंट नंबर 10 पढ़ लें, उन नोट्स में पॉइंट नंबर 10, ये 80 रहा तो एक महीना, लेकिन वो एक महीना नहीं लेना हमने, क्यों, वो कैपिटलाइजेशन पीरियड से पहले वाला है। ये 64 कब तक 64 रहा, 3 महीने, फिर ये कब तक 24 रहा, 1 महीना, सिर्फ मई का महीना, कहा था मैंने इस चैप्टर में महीने गिनना मुश्किल है, 1 महीना। ये 34 कब तक 34 रहा, 2 महीने, ये 1 महीना रहा, 1 है, लेकिन वो 1 भी नहीं लेना, 1 कैसे, जुलाई एंड है और सितंबर स्टार्ट है, बस सिर्फ 1 अगस्त का महीना है और वो भी सस्पेंशन है। ये 26 कब तक 26 रहा, ये तो नहीं है, 64 6% 3/12 0.9, 24 6% 1/12 1 2, 34 6% 2/12 0.34, कुछ भी नहीं, 26 6% 1/12 22 6% 1/12 0.11, 1.66, 1.66 जी, क्या वो दो टेबल का फर्क समझ नहीं आया। हम बिल्डिंग बना के कस्टमर को बेच रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं,
हमने बिल्डिंग बना के अपने लिए रखनी, कस्टमर को बेचनी है। बिल्डिंग बनाने पे हमारा खर्चा आएगा, वो खर्चा पहला टेबल है। बिल्डिंग बना के हम कस्टमर को बेचेंगे तो कस्टमर से पैसे लेंगे, कब कब कितने कितने पैसे लेंगे वो दूसरा टेबल है। इस मिसाल में गवर्नमेंट ग्रांट नहीं थी, वैसे कह रहा हूं आईएस ने दो चीजों का जिक्र किया हुआ है कि अगर हमें बिल्डिंग बनाने के लिए कोई ग्रांट मिल जाए तो उसके साथ भी यही सलूक करते। यानी अगर ये सवाल हमारी बिल्डिंग बनाने का होता, गवर्नमेंट ग्रांट पड़ा है ना, गवर्नमेंट ने कहा फैक्ट्री बनाने के पैसे नहीं है, ये लो तुम्हें हमने पैसे दिए, ये क्या हो गया? पता नहीं मैं क्या बता रहा था। हाँ, तो गवर्नमेंट ने ग्रांट अगर दी बिल्डिंग बनाने के लिए तो हमें वो गवर्नमेंट से ग्रांट मिली होती तो हम उसके साथ यहाँ यही सलूक करते जो यहाँ इसके साथ किए। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो खर्चे हो रहे होते, फिर जो ग्रांट मिल जाती उसको ऐसे सलूक करते। इसमें कस्टमर को बना के चीज बेच रहे हैं तो इसमें कस्टमर से पैसे मिल रहे हैं, उसके साथ ये सलूक होना। ये दो चीजें, कस्टमर को बिल्डिंग बना के बेच रहे हैं तो उससे आने वाला पैसा, गवर्नमेंट से आने वाला पैसा अगर अपने लिए बिल्डिंग बना रहे हैं तो, उन दोनों के साथ ये सलूक करना है कि इस वर्किंग के अंदर उसको एज एन इनफ्लो ले लेना है। अंग्रेजी आईएस ने ये लिखी हुई है कि एक्सपेंडिचर ऑन एसेट इज रिड्यूस्ड बाय, तो रिड्यूस्ड बाय का मतलब है जो खर्चा हो रहा था पैसे आए तो वापस आने शुरू हो गए। अच्छा, अब आपका होमवर्क यही सवाल है, पहले यही सवाल है, उसके बाद आपने फिर यही सवाल करना है अगर ये जो 12 मिल रहा है, ये 12 अगर ये 12 की बजाय 72 होता, ये 10 है, अगर ये 72 होता तो फिर आपने ये सवाल करना है। पहले आप 98 तो चेंज हो जाएगा, 98 हो जाएगा, पहले ये सवाल दोबारा करिएगा, फिर इसकी अगली वैरायटी, इसका अगला वर्जन कि वो जो पेमेंट टर्म्स हैं 10, 12 और 98 वो हो जाएंगी 10, 72 और 38, फिर देखिएगा आपने सवाल के ऊपर क्या फर्क पड़ना। ठीक है, चल ठीक है, अल्लाह हाफिज़।